लेखा शास्त्र की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है बेटा। आपने अभी लेखांकन के सिद्धांत पढ़े, प्रारूप पढ़ा। अब अपन बेटा आगे बढ़ेंगे इकाई दो की ओर। उसमें पढ़ेंगे बेटा अपन व्यावसायिक सौदे का लेखांकन। तो जो लेखांकन है काय पर निर्भर करता है, व्यावसायिक सौदों पर निर्भर करता है। तो जब अपन लेखांकन काय पे बनेगा बेटा, व्यवसाय पर बनेगा। फिर इसमें बेटा अपन पढ़ेंगे लेखांकन के समीकरण। तो लेखांकन में शब्दावली होती है बेटा, किन किन शब्दों का प्रयोग होता है लेखांकन में, उसके बारे में आज आपको बताएंगे बेटा। तो लेखांकन का समीकरण, लेखांकन का सूत्र जो प्रदर्शित करता है, मतलब जो लेखांकन का समीकरण होता है वो आपको लेखांकन के सूत्र प्रदर्शित करता है कि व्यवसाय की संपत्तियां सदैव उसकी पूंजी व दायित्व के बराबर होते हैं। मतलब जो व्यवसाय में लेखांकन है वो काय पर आधारित है, पूंजी और दायित्व है। तो ये संपत्तियों के क्या होता है, सदैव उसकी संपत्तियों के पूंजी व दायित्व के बराबर होता है। कोई भी व्यवसाय होता है काय पर आधारित है, संपत्ति और सदैव उसमें पूंजी और दायित्व क्या होते हैं, उसके बराबर होते हैं। फिर दूसरा है बेटा, तो अपने कैसे करेंगे बेटा, दायित्व और पूंजी प्लस बराबर संपत्तियां। उसके बाद है बेटा डेबिट प्रमाणक व नगद भुगतान। तो जो डेबिट प्रमाणक होते हैं वो नगद भुगतान होते हैं और वो प्रमाणित करने वाले प्रपत्र होते हैं, जो डेबिट प्रमाणक होते हैं। तो दूसरा इसका शब्दावली है डेबिट प्रमाणक। तो ये कैसे होते हैं, नगद भुगतान होता है और ये प्रमाणित करने वाला, मतलब लेखों को प्रमाणित करने वाला क्या होता है, प्रपत्र होता है। फिर होता है बेटा क्रेडिट प्रमाणक, जो नगद भुगतान को प्रमाणित करने वाला होता है। जो ये क्या करता है, आपको नगद भुगतान को ये नगद भुगतान को क्या करता है, प्रमाणित करता है। क्या, क्रेडिट प्रमाण। फिर उसके बाद बेटा डेबिट प्रमाण। तो डेबिट प्रमाण वो होते हैं जिसमें लेन देन राशि और जो लिखना है डेबिट में अर्थात नामे कहलाता है। तब डेबिट में आपके नामे कहलाएगा जो उसके आपके खाते में लेन देन की राशि खाते के बाएं ओर की भाग में लिखना डेबिट कहलाता है। जो लेन देन है काय पे आता है, लेन देन वो लेन देन है काय में आएगा बेटा, आपके मतलब खाते में जो राशि जमा की जाएगी वह खाते के बाहर को लिखी जाएगी। इसके बाद में बेटा इसी के अंतर्गत आएगा आपका जो आपने लिखना है क्रेडिट अर्थात जमा, मतलब जो डेबिट होता है वो आपके नाम है। फिर उसके बाद हो गया बेटा क्रेडिट, लेन देन के खाते की राशि दाएं ओर लिखेंगे और फिर उसके बाद है बेटा डेबिट के बाद है खाता। प्रत्येक व्यक्ति का खाता, फर्म का खाता, कंपनी का खाता, संस्था का खाता, ये क्या होते हैं, खाते होते हैं। तो इसमें आपको क्रेडिट में क्या लिखेंगे बेटा, लेन देन के बाद डेबिट। फिर ये होता है खाता। खाता क्या होता है, किसी कंपनी का खाता हो गया बेटा, मतलब खाते प्रत्येक व्यक्ति के होते हैं, फर्म के होते हैं, कंपनी के होते हैं, संस्था के होते हैं। आय व्यय लाभ हानि और विविध लेखों के लिए इसमें तालिका बनाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, खाता। तो खाते प्रत्येक व्यक्ति के होते हैं, है ना। व्यक्ति के, फर्म के और संस्था के भी थोड़ा जो बेटा है ना, सब खाते होते हैं।
बनाए जाते हैं, मतलब तालिका बनाकर उनको लिखते हैं और उनका अपन उसे खाता कहते हैं, मतलब खाते बनेंगे। संपत्ति का संपत्ति, आय व्यय, लाभ हानि, इन सब चीज़ों में क्या होते हैं, विविध लेखे होते हैं और उसके शीर्ष के अंतर्गत क्या बनाई जाती है, तालिका बनाई जाती है और उसे क्या कहते हैं, खाता कहते हैं। फिर है बेटा लेन देनों का प्रारंभ। तो हाँ, जब भी आप कोई भी व्यापार करेंगे उसमें लेन देन का क्या, लेन देन का प्रारंभ। तो दो पक्षों के बीच, मतलब दो पक्ष होते हैं, उनके बीच होने वाला मुद्रा, माल और सेवाओं का आदान प्रदान, मतलब दो पक्षों के बीच, दो पक्ष हैं उनके बीच में मुद्रा, माल या सेवा के आदान प्रदान के व्यवहार को, लेन देन को सौदा कहा जाता है। मतलब जो अपन लेन देन कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, उसे क्या कहेंगे, सौदा, उसे क्या कहेंगे। और व्यापारिक सौदे के कई रूप हो सकते हैं, मतलब जो व्यापारिक सौदे होते हैं उसे कई रूप हो सकते हैं, जैसे माल खरीदना, जैसे माल खरीदना, बेचना, व्यय भुगतान करना, दान देना, ये सब काय में आएंगे, लेन देन में आएंगे। तो बैंक से रुपया जमा करना, बैंक से रुपया निकालना, ये सब क्या कहलाएगा, लेन देन का प्रारंभ कहलाएगा। व्यवहार नगद हो, उधार भी हो सकता है, जो व्यवहार होते हैं वो नगद भी हो सकते हैं और कैसे हो सकते हैं, जैसे देखो माल खरीदा अपन ने, माल बेचा, भुगतान किया, करना दान करना और बैंक में रुपया जमा करना, तो ये क्या कहलाएंगे, और बैंक से पैसा निकालना, ये सब लेन देन कहलाएंगे बेटा। और फिर व्यवहार में नगद व उधार भी हो सकता है, मतलब हम जब कोई व्यवसाय करते हैं बेटा तो उसमें आप नगद भी कर सकते हो और क्या कर सकते हो, उसको नगद भी कर सकते हो और उधार भी कर सकते हो। क्या इसके बाद है, ऐसे व्यवहार जिसमें मुद्रा का नगद एवं बैंकों के माध्यम से आदान प्रदान करते हैं, मतलब आप ऐसा व्यवहार भी रखते हैं जिसमें मुद्रा का आप नगद एवं बैंक के माध्यम से, अपन कोई भी व्यवसाय करते हैं तो अपन बैंक के माध्यम से भी उसका अपन क्या कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं। तो ऐसे व्यवहार को अपन क्या कहेंगे, व्यावसायिक लेन देन का हिसाब और पुस्तकों में लिखा जाता है, तो ये क्या कहलाएगा, लेखांकन का मूल प्रालेख कहलाएगा, मूल प्रालेख। तो ये क्या हो गया बेटा, लेखांकन के जो होते हैं, लेखांकन के जो होते हैं, लेखांकन के मूल प्रालेख, इसकी जो हेडिंग है बेटा ये है लेखांकन की, व्यवसायिक के लेन देनों के हिसाब काय में लिखे जाते हैं, पुस्तकों में लिखे जाते हैं, इसे लेखांकन के मूल प्रालेख कहा जाता है। मेरा हमेशा एक या दो नंबर का प्रश्न है ये, मूल प्रालेख किसे कहते हैं। तो व्यवसायिक लेन देनों का हिसाब जो पुस्तकों में लिखा जाता है ये लेखांकन का मूल प्रालेख कहा जाता है। फिर मूल प्रालेख के अंतर्गत आएगा लेन देन के विवरण, लेन देन के विवरण सर्वप्रथम लिखने की प्रक्रिया यह कार्य मूल प्रालेख के आधार पर किए जाते हैं। तो उसके आधार पर लेन देन, उसमें लिखेंगे तिथि, राशि, पक्षकार एवं लेन देन की प्राकृति, जो आपको क्या कराएंगे सब प्रारूप, मतलब जो प्रालेख है उसके बारे में आपके आगे की ओर जानकारी। व्यावसायिक लेन देनों का विवरण, तो लेखांकन में जो होता है उसमें व्यावसायिक लेन देनों के विवरण को लिखना सर्वप्रथम प्रक्रिया है इसकी, जो लेखांकन है उसमें व्यावसायिक लेन देनों की जो विवरण लिखने की प्रक्रिया है वो कैसी है। सबसे पहले अपन को लेन देन लिखना, ये कार्य मूल प्रालेख के आधार पर किया जाता है, जो व्यवसाय के मूल प्रालेख होते हैं बेटा लेन देन, उसके आधार पर किया जाता है। इन प्रालेखों में लेन देन की तिथि, राशि, संबंधित पक्षकारों की विस्तृत जानकारी क्या होती है, प्राप्त होती है।
फिर लेखांकन की प्रवृत्ति होती है, उसका निर्धारण एवं अंकेक्षण के लिए भी आवश्यक होते हैं। जो प्रारेख होते हैं वो क्रय कर निर्धारण और अंकेक्षण दोनों के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। फिर है न्यायालय जो प्रमाण होते हैं, अगर मान लीजिए आपका कोई प्रकरण न्यायालय में है तो न्यायालय प्रमाण के साक्ष्य के रूप में भी आपने जो प्रारेख बनाए हैं, जो प्रारेख हैं उसको आप क्या कर सकते हो, विवादियों के लिए क्या कर सकते हैं, इसके हल करने में ये क्या होते हैं, सहायक होते हैं। अगर आपके न्यायालय में आपने कोई आपके पास मूल दस्तावेज होते हैं, अगर न्यायालय में साक्ष्य के रूप में आप प्रस्तुत कर लें तो उसमें विवाद को हल करने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। फिर है मूल प्रारेख निम्न है, तो मूल प्रारेख कितने, मूल प्रारेख निम्न प्रकार के होते हैं। तो पहला है बेटा नगद पत्थर, नगद से मतलब बेटा नगद देने के लिए, तो नगद प्रत्यय के अंतर्गत आएगा जब कोई क्रेता विक्रेता से नगद माल खरीदता है, मतलब जब कोई क्रेता विक्रेता से नगद माल खरीदता है तो उसे नगद पत्रक कहते हैं। पत्रक माल में मतलब उसमें क्या होता है, जो पत्रक होता है उसमें दिया गया होता है प्रथम प्रपत्र में माल की मात्रा, तो आप माल की जो पत्रक मिलेगा उसमें माल की मात्रा कितनी है और उसमें कीमत का उल्लेख किया जाता है और उसके पत्रक के आधार पर पुस्तकों में लेखा कार्य भी किया जाता है तो उसे कहते हैं नगद पत्रक। जैसे बच्चों मान लो आप बाजार गए, आपने एक टीवी खरीदा, किसी टीवी की दुकान से टीवी खरीदा, तो आपने कितनी मात्रा में, अगर आपको एक टीवी खरीदनी है दो टीवी खरीदनी है तो उस पहले आपको नगद पत्रक में उस दुकान का नाम होगा, फिर उसमें क्रमांक होगा, फिर आपका नाम लिखा जाएगा कि आप उस दिन कितनी चीज खरीद रहे हो, फिर उसमें दिनांक लिखेंगे बेटा, फिर दिनांक लिखने के बाद आपने कितनी मात्रा में टीवी खरीदी, एक मात्रा में, दो मात्रा में, कितने टेलीविजन खरीदे आपने, एक खरीदे दो खरीदे, तो उसका उसकी मात्रा लिखी जाएगी। फिर विवरण कि आपने टीवी खरीदी तो किस कंपनी की टीवी खरीदी वो, और उसकी दर कितनी थी, तो मान लीजिए एक टीवी की दर मान लो आपको 10,000, तो आपने दो टीवी खरीदी तो दो टीवी की मूल्य कितना हो गया बेटा, 20,000 हो गया, तो वो राशि में आ जाएगा। और आपको उसके बाद कितना रिबेट मिला, उस पर आपको कितने परसेंट, मतलब आपको मान लो 10% छूट मिली, तो उस छूट को निकालकर घटाकर आपको एक नगद पत्रक दिया जाएगा, उसे कहते हैं नगद पत्रक। या आप देखोगे, आप कभी मांगते हो ना बच्चों हमें बिल दे दीजिए, तो आप कोई भी वस्तु खरीदोगे तो उसके नाम, मान लीजिए आपने मोबाइल खरीदा तो आप नगद पेमेंट करोगे तो वो आपको नगद पेमेंट करके आप दोगे तो आपको वो नगद पत्रक देगा कि आपने इस तारीख को इस दिन आपने एक मोबाइल खरीदा, उसकी कीमत ये थी और उसमें आपको इतनी छूट मिली। फिर उसके बाद होता है बेटा दूसरा बीजक, बीजक बिल, बीजक बिल होते हैं व्यापारी द्वारा ग्राहक को उधार माल बेचने एवं विक्रय पत्रक बनाए और उसकी मूल प्रति ग्राहक को भेजते, मतलब आपने जो बीजक होते हैं, आपने माल खरीदा, मान लो आपने उधार माल खरीदा, तो जो विक्रेता है वो उसको लिखेगा, बेचने के पहले उसे विक्रय पत्रक में बनाएगा और उसे लिखेगा और पत्रक बना के उसकी मूल प्रति ग्राहक को देगा, भेजेगा, उसे बीजक कहते हैं। तो दूसरा है बेटा ये बीजक, जो बीजक होते हैं वो क्या होते हैं, बीजक, बीजक एक बिल, तो जो व्यवसाय द्वारा माल उधार बेचने पर एक विक्रय पत्रक बनाकर, मतलब जिसने माल खरीदा उसको एक विक्रय पत्रक बनाकर देगा और उसकी मूल प्रति उसको भेजेगा, ग्राहक को देगा, इसे कहेंगे, उसे बीजक कहते हैं। बीजक की दूसरी प्रति का क्या करेगा, वो जो कार्बन प्रति होगी उसको क्या करेगा, कार्यालय अभिलेख में क्या करेगा, रखेगा, सुरक्षित रखेगा। अगर कभी उसने बोला यार हमने तो खरीदा ही नहीं था, तो वो एक कार्बन प्रति रखेगा और संभाल कर रखेगा। कोई भी व्यापारी माल उधार खरीदता है तो उसे बिल या साख पत्र प्राप्त होता है, जिसे क्या कहते हैं, बीजक या साख प्रारूप कहते हैं। मान लीजिए आप किसी दुकान में गए, वहां पर आपने दो टीवी खरीदी,
आपने एक टीवी को नगद दे दिया पैसा और एक बोला भाई बाद में लेंगे, तो उसे बीजक कहेंगे बेटा। इसके बाद है बेटा थर्ड पॉइंट है आपका रसीद। तो मूल प्रालेख होते हैं उसके अंतर्गत है व्यवसाय। किसी व्यापारी को किसी ग्राहक से कोई राशि नगद प्राप्त होती है, मतलब किसी व्यापारी को किसी ग्राहक से, मतलब नगद राशि प्राप्त होती है तो उसकी मूल प्रति ग्राहक को प्रमाण स्वरूप देता है, उसे रसीद कहते हैं। तो वह जो ग्राहक को मूल प्रति देता है कहते हैं, उसे रसीद कहते हैं। तो जो द्वितीय प्रति वो क्या करता है, अभिलेख में सुरक्षित रखता है। क्यों? रसीद से ग्राहक में नाम, राशि, दिनांक आदि लिखते हैं और व्यापारी नगद भुगतान करने पर उसे रसीद प्राप्त करता है। और उसकी जो द्वितीय प्रति होती है बेटा दुकानदार क्या करता है, उसको सुरक्षित रखता है, क्योंकि सुरक्षित रखता है। और उस रसीद में क्या 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 होता है बेटा, उस रसीद में ग्राहक का नाम होता है, राशि और कौन सी वस्तु खरीदी और वस्तु खरीदी उस रसीद में उन सब चीजों का क्या होता है, उल्लेख होता है। तो इसी तरह व्यापारी द्वारा नगद भुगतान करने पर एक रसीद अपन को क्या होती है, ग्राहक को प्राप्त होती है। छोटा सा बेटा पूछा, छोटे से क्वेश्चन में किसी ने बेटा पूछ लिया आपने कि रसीद क्या होती है, तो आप लिखोगे कि किसी व्यापारी को किसी ग्राहक से नगद राशि प्राप्त होती है, जो ग्राहक मूल प्रति देता है उसे रसीद कहते हैं। तो द्वितीय प्रति वो क्या करता है, जो वो विक्रेता होता है उसे क्या करता है, समा व्यापारी क्या होता है, उसको संभाल के रखता है। और उस रसीद में क्या क्या होता है बेटा, ग्राहक का नाम होता है, दिनांक होता है और उसमें राशि लिखी जाती है। इसी प्रकार व्यापारी नगद भुगतान करने पर उसे रसीद प्राप्त होती है। उसके बाद बेटा आपको आज मैंने क्या क्या बताया, व्यावसायिक सौदे के लेखांकन बताए, उसकी शब्दावली बताई और उनका लेन देन का प्रारंभ कैसे किया जाता है वो बताया, और लेखांकन के प्रारूप कौन कौन से होते हैं। तो आपको मैंने तीन प्रारूप बताए बेटा, पहला है नगद पत्रक, दूसरा है बीजक पत्रक और तीसरा है रसीद। इसके आगे बेटा अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आप इतना पढ़ोगे और इसको कॉपी पर लिखोगे। धन्यवाद बच्चों, लेखा शास्त्र की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है बेटा। आपने अभी लेखांकन के सिद्धांत पढ़े, प्रारूप पढ़ा,
अब अपन बेटा आगे बढ़ेंगे इकाई दो की ओर। उसमें पढ़ेंगे बेटा अपन व्यावसायिक सौदे का लेखांकन। तो जो लेखांकन है काय पर निर्भर करता है, व्यावसायिक सौदों पर निर्भर करता है। तो जब अपन लेखांकन काय पे बनेगा बेटा, व्यवसाय पर बनेगा। फिर इसमें बेटा अपन पढ़ेंगे लेखांकन के समीकरण। तो लेखांकन में शब्दावली होती है बेटा, किन किन शब्दों का प्रयोग होता है लेखांकन में, उसके बारे में आज आपको बताएंगे बेटा। तो लेखांकन का समीकरण, लेखांकन का सूत्र जो प्रदर्शित करता है, या जो लेखांकन का समीकरण होता है वो आपको लेखांकन के सूत्र प्रदर्शित करता है कि व्यवसाय की संपत्तियां सदैव उसकी पूंजी व दायित्व के बराबर होते हैं। मतलब जो व्यवसाय में लेखांकन है वो काय पर आधारित है, पूंजी और दायित्व है। तो ये संपत्तियों के क्या होता है, सदैव उसकी संपत्तियों के पूंजी व दायित्व के बराबर होता है। कोई भी व्यवसाय होता है काय पर आधारित है संपत्ति, और सदैव उसमें पूंजी और दायित्व क्या होते हैं, उसके बराबर होते हैं। फिर दूसरा है बेटा, तो अपन कैसे करेंगे बेटा, दायित्व और पूंजी प्लस बराबर संपत्तियां। उसके बाद है बेटा डेबिट प्रमाणक व नगद भुगतान। तो जो डेबिट प्रमाणक होते हैं वो नगद भुगतान होते हैं और उनको प्रमाणित करने वाले प्रपत्र होते हैं, जो डेबिट प्रमाणक होते हैं। तो दूसरा इसका शब्दावली है डेबिट प्रमाणक। तो ये कैसे होते हैं, नगद भुगतान होता है और ये प्रमाणित करने वाला, मतलब लेखों को प्रमाणित करने वाला क्या होता है, प्रपत्र होता है। फिर होता है बेटा क्रेडिट प्रमाणक, जो नकद भुगतान को प्रमाणित करने वाला होता है। जो ये क्या करता है, आपको नगद भुगतान को लेन देन राशि और जो लिखना है डेबिट में अर्थात नामे कहलाता है, तब डेबिट में आपके नामे कहलाएगा जो उसके आपके खाते में लेन देन की राशि खाते के बाएं ओर की भाग में लिखना डेबिट कहलाता है। जो लेन देन है काय पे आता है, लेन देन है काय में आएगा बेटा, आपके मतलब खाते में जो राशि जमा की जाएगी वह खाते के बाहर को लिखी जाएगी। बाद इसी के अंतर्गत आएगा आपका जो आपने क्रेडिट अर्थात जमा, मतलब जो डेबिट होता है वो आपके नाम है। फिर उसके बाद हो गया बेटा क्रेडिट, इसके अंतर्गत आएगा बेटा लेन देन के खाते की राशि दाएं ओर लिखेंगे, और फिर उसके बाद है बेटा डेबिट के बाद है खाता। प्रत्येक व्यक्ति का खाता, फर्म का खाता, कंपनी का खाता, संस्था का खाता, ये क्या होते हैं, खाते होते हैं। तो इसमें आपको क्रेडिट में क्या लिखेंगे बेटा, लेन देन के बाद डेबिट। फिर ये होता है खाता, खाता क्या होता है, किसी कंपनी का खाता हो गया बेटा, मतलब खाते प्रत्येक व्यक्ति के होते हैं, फर्म के होते हैं, कंपनी के होते हैं, संस्था के होते हैं, आय व लाभ हानि और विविध लेखों के लिए इसमें तालिका बनाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, खाता। तो खाते प्रत्येक व्यक्ति के होते हैं, फॉर्म के और संस्था के भी थोड़ा सा बेटा है ना, ये सब खाते होते हैं, बनाए जाते हैं, मतलब तालिका बनाकर उनको लिखते हैं और उनका अपन उसे खाता कहते हैं, मतलब खाते बनेंगे।
संपत्ति का कर, संपत्ति, आय व्यय, लाभ हानि, इन सब चीजों में क्या होते हैं, विविध लेखे होते हैं और उसके शीर्ष के अंतर्गत क्या बनाई जाती है, तालिका बनाई जाती है और उसे क्या कहते हैं, खाता कहते हैं। फिर है बेटा लेन देनों का प्रारंभ। तो हाँ, जब भी आप कोई भी व्यापार करेंगे उसमें लेन देन का क्या, लेन देन का प्रारंभ। तो दो पक्षों के बीच, मतलब दो पक्ष होते हैं उनके बीच होने वाला मुद्रा, माल और सेवाओं का आदान प्रदान, मतलब दो पक्षों के बीच, दो पक्ष हैं उनके बीच में मुद्रा, माल या सेवा के आदान प्रदान के व्यवहार को, लेन देन को सौदा कहा जाता है। मतलब जो अपन लेन देन कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, उसे क्या कहेंगे, सौदा, उसे क्या कहेंगे। और व्यापारिक सौदे के कई रूप हो सकते हैं, मतलब जो व्यापारिक सौदे होते हैं उसे कई रूप हो सकते हैं, जैसे माल खरीदना, जैसे माल खरीदना, बेचना, व्यय भुगतान करना, दान देना, ये सब काय में आएंगे, लेन देन में आएंगे। तो बैंक से रुपया जमा करना, बैंक से रुपया निकालना, ये सब क्या कहलाएगा, लेन देन का प्रारंभ कहलाएगा। व्यवहार नगद हो, उधार भी हो सकता है, जो व्यवहार होते हैं वो नगद भी हो सकते हैं और कैसे हो सकते हैं, जैसे देखो माल खरीदा अपन ने, माल बेचा, भुगतान किया, करना दान करना और बैंक में रुपया जमा करना, तो ये क्या कहलाएंगे, और बैंक से पैसा निकालना, ये सब लेन देन कहलाएंगे बेटा। और फिर व्यवहार में नगद और उधार भी हो सकता है, मतलब अपन जब कोई भी व्यवसाय करते हैं बेटा तो उसमें आप नगद भी कर सकते हो और क्या कर सकते हो, उसको नगद भी कर सकते हो और उधार भी कर सकते हो। क्या इसके बाद है, ऐसे व्यवहार जिसमें मुद्रा का नगद एवं बैंकों के माध्यम से आदान प्रदान करते हैं, मतलब आप ऐसा व्यवहार भी रखते हैं जिसमें मुद्रा का आप नगद एवं बैंक के माध्यम से, अपन कोई भी व्यवसाय करते हैं तो अपन बैंक के माध्यम से भी उसका अपन क्या कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं। तो ऐसे व्यवहार को अपन क्या कहेंगे, व्यावसायिक लेन देन का हिसाब और पुस्तकों में लिखा जाता है, तो ये क्या कहलाएगा, लेखांकन का मूल प्रालेख कहलाएगा, मूल प्रालेख। तो ये क्या हो गया बेटा, लेखांकन के जो होते हैं, लेखांकन के जो होते हैं, लेखांकन के मूल प्रालेख, इसकी जो हेडिंग है बेटा ये है लेखांकन की, व्यवसायिक के लेन देनों के हिसाब काय में लिखे जाते हैं, पुस्तकों में लिखे जाते हैं, इसे लेखांकन के मूल प्रालेख कहा जाता है। मेरा हमेशा एक या दो नंबर का प्रश्न है ये, मूल प्रालेख किसे कहते हैं, तो व्यवसायिक लेन देनों का हिसाब जो पुस्तकों में लिखा जाता है ये लेखांकन का मूल प्रालेख कहा जाता है। फिर मूल प्रालेख के अंतर्गत आएगा लेन देन के विवरण, लेन देन के विवरण सर्वप्रथम लिखने की प्रक्रिया यह कार्य मूल प्रालेख के आधार पर किए जाते हैं, तो उसके आधार पर लेन देन उसमें लिखेंगे, तिथि, राशि, पक्षकार एवं लेन देन की प्राकृति, जो आपको क्या कराएंगे सब प्रारूप, प्रारूप मतलब जो प्रालेख है उसके बारे में आपके आगे की ओर जानकारी। व्यावसायिक लेन देनों का विवरण, तो लेखांकन में जो होता है उसमें व्यावसायिक लेन देनों के विवरण को लिखना सर्वप्रथम प्रक्रिया है इसकी, जो लेखांकन है उसमें व्यावसायिक लेन देनों की जो विवरण लिखने की प्रक्रिया है वो कैसी है, सबसे पहले अपन को लेन देन लिखना, ये कार्य मूल प्रालेख के आधार पर किया जाता है, जो व्यवसाय के मूल प्रालेख होते हैं बेटा लेन देन उसके आधार पर किया जाता है। इन प्रालेखों में लेन देन की तिथि, राशि, संबंधित पक्षकारों की विस्तृत जानकारी क्या होती है, प्राप्त होती है। फिर लेखांकन की प्रविष्टि होती है, उसका निर्धारण एवं अंकेक्षण के लिए भी आवश्यक होते हैं, जो प्रालेख होते हैं वो क्रय कर निर्धारण
और अपेक्षण, दोनों के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। फिर है न्यायालय जो प्रमाण होते हैं, अगर मान लीजिए आपको कोई प्रकरण न्यायालय में है तो न्यायालय प्रमाण के साक्ष्य के रूप में भी आपने जो प्रालेख बनाए हैं, जो प्रालेख हैं उसको आप क्या कर सकते हो, विवादों के लिए क्या कर सकते हैं, इसलिए हल करने में ये क्या होते हैं, सहायक होते हैं। अगर आपके न्यायालय में आपने कोई आपके पास मूल दस्तावेज होते हैं, अगर न्यायालय में साक्ष्य के रूप में आप प्रस्तुत कर लें तो उसमें विवाद को हल करने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। फिर है मूल प्रालेख निम्न है, तो मूल प्रालेख कितने, मूल प्रालेख निम्न प्रकार के होते हैं। तो पहला है बेटा नगद पत्थर, नगद से मतलब बेटा नगद देने के लिए, तो नगद पत्थर के अंतर्गत आएगा जब कोई क्रेता विक्रेता से नगद माल खरीदता है, मतलब जब कोई क्रेता विक्रेता से नगद माल खरीदता है तो उसे नगद पत्रक कहते हैं। पत्रक माल में मतलब उसमें क्या होता है, जो पत्रक होता है उसमें दिया गया होता है, प्रथम प्रपत्र में माल की मात्रा, तो आप माल की जो पत्रक मिलेगा उसमें माल की मात्रा कितनी है और उसमें कीमत का उल्लेख किया जाता है, और उसके पत्रक के आधार पर पुस्तकों में लेखा कार्य भी किया जाता है, तो उसे कहते हैं नगद पत्रक। जैसे बच्चों मान लो आप बाजार गए, आपने एक टीवी खरीदा, किसी टीवी की दुकान से टीवी खरीदा, तो आपने कितनी मात्रा में, अगर आपको एक टीवी खरीदनी है, दो टीवी खरीदनी है, तो उस पहले आपको नगद पत्रक में उस दुकान का नाम होगा, फिर उसमें क्रमांक होगा, फिर आपका नाम लिखा जाएगा कि आप उस दिन कितनी चीज खरीद रहे हो, फिर उसमें दिनांक लिखेंगे बेटा, फिर दिनांक लिखने के बाद आपने कितनी मात्रा में टीवी खरीदी, एक मात्रा में, दो मात्रा में, कितने टेलीविजन खरीदे आपने, एक खरीदे, दो खरीदे, तो उसका उसकी मात्रा लिखी जाएगी। फिर विवरण कि आपने टीवी खरीदी तो किस कंपनी की टीवी खरीदी वो, और उसकी दर कितनी थी, तो मान लीजिए एक टीवी की दर मान लो आपको 10,000, तो आपने दो टीवी खरीदी तो दो टीवी की मूल्य कितना हो गया बेटा, 20,000 हो गया, तो वो राशि में आ जाएगा। और आपको उसके बाद कितना रिबेट मिला, उस पर आपको कितने परसेंट, मतलब आपको मान लो 10% छूट मिली, तो उस छूट को निकाल कर घटा कर आपको एक नगद पत्रक दिया जाएगा, उसे कहते हैं नगद पत्रक। या आप देखोगे, आप कभी मांगते हो ना बच्चों हमें बिल दे दीजिए, तो आप कोई वस्तु खरीदोगे तो उसको नाम, मान लीजिए आपने मोबाइल खरीदा तो आप नगद पेमेंट करोगे तो वो आपको नगद पेमेंट करके आप दोगे तो आपको वो नगद पत्रक देगा कि आपने इस तारीख को इस दिन आपने एक मोबाइल खरीदा और उसकी कीमत ये थी और उसमें आपको इतनी छूट मिली। फिर उसके बाद होता है बेटा दूसरा बीजक, बीजक बिल, बीजक बिल होते हैं व्यापारी द्वारा ग्राहक को उधार माल बेचने एवं विक्रय पत्रक बनाए और उसकी मूल प्रति ग्राहक को बेचते, मतलब आपने जो बीजक होते हैं, आपने माल खरीदा, मान लो आपने उधार माल खरीदा, तो जो विक्रेता है वो उसको लिखेगा, बेचने के पहले उसे विक्रय पत्रक में बनाएगा और उसे लिखेगा और पत्रक बना के उसकी मूल प्रति ग्राहक को देगा, भेजेगा, उसे बीजक कहते हैं। तो दूसरा है बेटा ये बीजक, जो बीजक होते हैं वो क्या होते हैं, बीजक, बीजक एक बिल, तो जो व्यवसाय द्वारा माल उधार बेचने पर एक विक्रय पत्रक बनाकर, मतलब जिसने माल खरीदा उसको एक विक्रय पत्रक बनाकर देगा और उसकी मूल प्रति उसको भेजेगा, ग्राहक को देगा, इसे कहेंगे, उसे बीजक कहते हैं। बीजक की दूसरी प्रति का क्या करेगा, वो जो कार्बन प्रति होगी उसको क्या करेगा, कार्यालय अभिलेख में क्या करेगा, रखेगा, सुरक्षित रखेगा, अगर कभी उसने बोला यार हमने तो खरीदा ही नहीं था, तो वो एक कार्बन प्रति रखेगा और संभाल कर रखेगा। कोई भी व्यापारी माल उधार खरीदता है तो उसे बिल या साख पत्र प्राप्त होता है, जिसे क्या कहते हैं, बीजक या साख प्रारूप कहते हैं। मान लीजिए आप किसी दुकान में गए, वहां पर आपने दो टीवी खरीदी, आपने एक टीवी को नगद दे दिया पैसा और एक को नगद बाद में दे, तो उसे बीजक कहेंगे बेटा। इसके बाद बेटा थर्ड पॉइंट है आपका रसीद,
प्रारूप होते हैं उसके अंतर्गत है व्यवसाय। किसी व्यापारी को किसी ग्राहक से कोई राशि नगद प्राप्त होती है, मतलब किसी व्यापारी को किसी ग्राहक से, मतलब नगद राशि प्राप्त होती है, तो नगद राशि प्राप्त होती है तो उसकी मूल प्रति ग्राहक को प्रमाण स्वरूप देता है, उसे रसीद कहते हैं। तो वह जो ग्राहक को मूल प्रति देता है उसे क्या कहते हैं बेटा, रसीद कहते, उसे रसीद कहते हैं। वो क्या करता है, अभिलेख में सुरक्षित रखता है। क्यों? रसीद से ग्राहक पे नाम, राशि, दिनांक आदि लिखते हैं और व्यापारी नगद भुगतान करने पर उसे रसीद प्राप्त करता है। और उसकी जो द्वितीय प्रति होती है बेटा, दुकानदार क्या करता है, उसको सब सुरक्षित रखता है, क्योंकि सुरक्षित रखता है। और उस रसीद में क्या क्या होता है बेटा, उस रसीद में ग्राहक का नाम होता है, राशि और कौन सी वस्तु सब चीजों का क्या होता है, उल्लेख होता है। तो इसी तरह व्यापारी द्वारा नगद भुगतान करने पर एक रसीद अपन को क्या होती है, ग्राहक को प्राप्त होती है। छोटा सा बेटा पूछा, छोटे से क्वेश्चन में किसी ने बेटा पूछ लिया आपने कि रसीद क्या होती है, तो आप लिखोगे कि किसी व्यापारी को किसी ग्राहक से नगद राशि प्राप्त होती है, जो ग्राहक मूल प्रति देता है उसे रसीद कहते हैं। तो द्वितीय प्रति वो क्या करता है, जो वो विक्रेता होता है उसे क्या करता है, समा व्यापारी क्या होता है, उसको संभाल के रखता है। और उस रसीद में क्या क्या होता है बेटा, ग्राहक का नाम होता है, दिनांक होता है और उसमें राशि लिखी जाती है। इसी प्रकार व्यापारी नगद भुगतान करने पर उसे रसीद प्राप्त होती है। उसके बाद बेटा आपको आज मैंने क्या क्या बताया, व्यावसायिक सौदे के लेखांकन बताए, उसकी शब्दावली बताई और उनका लेन देन का प्रारंभ कैसे किया जाता है वो बताया, और लेखांकन के प्रारूप कौन कौन से होते हैं, तो आपको मैंने तीन प्रारूप बताए बेटा। पहला है नगद पत्रक, दूसरा है बीजक पत्रक और तीसरा है रसीद। इसके आगे बेटा अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आप इतना पढ़ोगे और इसको कॉपी पर लिखोगे। धन्यवाद बच्चों।